एड्स की एक्टिंग देखे, मतलब एड में कौन अच्छी एक्टिंग करता है भाई। 20 किलोमीटर अबे यार कहाँ पे छोड़ दिया अंकल जी ने। जयपुर में शूटिंग हुई थी एजेंट विनोद। दैट वाज तो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज रिवील करता हूँ। नो नो एंड तो 15 आ रही। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है ये। और वैसे तुम्हें तुम्हारे बाबा की सुंदर सी शक्ल देखकर पता लग गया होगा कि काफ़ी जल्दी उठ चुका हूँ मैं। अब नॉर्मली क्या है कि सुबह मुझे जल्दी उठना इतना पसंद है नहीं, पर उठना पड़ता है ऑफिस जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, पर आज ज़्यादा ही जल्दी उठ चुका हूँ। तुम्हें बताया मुझे पसंद है कॉफ़ी पीना, थोड़ा बैठना, कॉफ़ी पीना और थोड़ी एनर्जी आती फिर काम स्टार्ट करना, पर आज वो सब करने का टाइम है ही नहीं। तैयार होते हैं, निकलते हैं। रास्ते में बताता हूँ तुम्हें आज का सीन क्या है। यार कॉफ़ी पी लेंगे यार। तो और भैया अंकल जी भी सोच रहे होंगे सुबह सुबह कौन सा माल फूक के आया है जो इतना चिंगाड़ रहा है। खुन बन थाम अंकल जी एक्सप्रेशन। रंगसेट यूनिवर्सिटी फार ओके वेरी फार। अब तुम लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि जर्नी जो है वो काफी लंबी चौड़ी होने वाली है। मैं जा रहा हूँ रंगसेट यूनिवर्सिटी जो कि मेरे अपार्टमेंट से 34 किलोमीटर दूर। वो तो सुबह निकल गया तो शायद ट्रैफिक ना मिले, और ट्रैफिक मिल गया तो पता नहीं कब तक पहुंचूंगा। मुझे बुलाया 7:30-8 बजे के बीच में बुलाया सुबह के, अंकल जी अगर हमें टाइम पे पहुंचा दें तो थोड़ी इज्जत बच जाएगी वरना। तो बात आती है कि बाबा रंगसेट यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है। तो देखो अगर तुमने मैंने वो टाइटल जो सोचा है वो रख दिया होगा, थंबनेल जो सोचा है वो रख दिया होगा, तो तुम लोगों को पता होगा क्यों जा रहा हूँ। और अगर वहाँ पे जाकर हमारे हेड ऑफ प्रोडक्शन से बात होती है और उन्होंने बोला कि भैया ये नहीं रख सकते, ये नहीं दिखा सकते, ये शो नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते, तो भैया फिर तुम लोगों को कुछ पता नहीं लगना। मैं जा रहा हूँ रंगसेट यूनिवर्सिटी एक बॉलीवुड मूवी शूटिंग के लिए जिसमें बड़े बड़े कलाकार हैं। वन ऑफ देम इज माई फेवरेट गजराज राव सर। उनकी एक्टिंग देखे एक तो दिल खुश हो जाता है, प्लस उनके एड्स की एक्टिंग देखे, मतलब एड में कौन अच्छी एक्टिंग करता है भाई। इसलिए रंगसेट यूनिवर्सिटी तुम्हारा बाबा जा रहा है, यूनिवर्सिटी बोला तो जा रहा नहीं है क्योंकि I'm a bit nervous। बाकी यही अभी एक्साइटिंग न्यूज नहीं है, अगले हफ्ते भी तुम्हें एक मस्त वाली एक्साइटिंग वाली न्यूज मिलने वाली है। मजा आ जाएगा तुम्हें सुन के। काफी लोगों ने अच्छा गैस कर लिया था, पर लाइक बटन दबा दो इसी बात। मजाक नहीं कर रहा हूँ, पहाड़ आने वाले ब्लॉग्स। तो अंकल जी हम मुझे थोड़ा आगे ले आए, पीछे रह गया रंगसेट यूनिवर्सिटी। तो मैं यहाँ पे उतर रहा हूँ, देखता हूँ बाइक वाइक ले लूँगा, मेरे मतलब यू टर्न, क्योंकि हाईवे है ना तो यू टर्न का कोई मतलब नहीं है। ओके नो प्रॉब्लम। खपुन खाब। अंकल जी थोड़ा स्ट्रेस में आ गए। यहाँ पे काम आता है हमारा GPS। मैं ब्लॉग में लगा हुआ था, मुझे GPS ऑन कर लेना चाहिए था ऑलरेडी। एक तो मेरा GPS जो है वो पागल हो चुका है, इधर उधर पागलों की तरह कर रहा है। रंगसेट यूनिवर्सिटी फार किलोमीटर की सी बात। 20 किलोमीटर। ओके खपुन खाब। अबे यार कहाँ पे छोड़ दिया अंकल जी ने, यहाँ से तो 20 किलोमीटर बता रहा है। जर्नी जो है वो काफी लंबी चौड़ी होने वाली है। भाई टैक्सी वाले अंकल का पता नहीं क्या प्लान था, मुझे लग रहा था उनको इंडिया ही ले जाना है मुझे। 20-30 किलोमीटर दूर ले गए थे मुझको, पता नहीं क्या प्लान। पहुंचने वाला हूँ फाइनली। भैया यूनिवर्सिटी का कैंपस इतना बड़ा है, मैं समझ नहीं आ रहा किधर से घुसना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10। अपन का इतना बड़ा और सुंदर कैंपस है यार, पर मुझे जाना कहाँ है मुझे नहीं पता। ओके आई एम वेरी क्लोज टू प्रमोद जी, कैमरा वैमरा दिख रहे हैं। तो सही सलामत पहुँच गया तुम्हारा बाबा। मुझे जो मंगेश सर हैं डायरेक्टर ऑफ द मूवी वो भी दिख गए हैं, पर अभी वो बिजी हो रखे हैं तो वो मुझे देख लिए, मुझे शायद देख लिया उन्होंने। गजराज सर को भी मैंने देख लिया है, अंदर शूटिंग चल रही है उनकी। तो आपने एजेंट विनोद में काम किया है जयपुर में शूटिंग हुई थी एजेंट विनोद? दैट वाज जोधपुर, और फिर अभी मैंने एक शूट किया था आपका बंदिश बैंडेड करके वेब सीरीज था। बंदिश बैंडेड जोधपुर। जयपुर इज योर फेवरेट प्लेस टू शूट? यस दैट्स कूल। तो सर हैं हेड ऑफ प्रोडक्शन जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल भी नहीं, बाद में बताऊंगा रिलीज होने के बाद। तो मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज रिवील करता हूँ
जिस रीज़न की वजह से यहाँ पे आया हूँ, मैं एक सीन में हूँ, छोटा सा रोल है मेरा, सीन में हूँ मैं एक गजराज सर के साथ। तो मुझे अभी सर ने भेजा है वहाँ पे अपना कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए। Like YouTube is kind of my hobby, in but Thailand. Yeah, I work in Thailand. You've learned Thai? No, little bit, nitnoy. और गंदी हो रही है, गर्मी खतरनाक वाली, मुझे कैमरे में नहीं चाहता, अगर मेरा, मुझे पता नहीं है कितना क्लोजअप होगा मेरा शॉट, मैं नहीं चाहता पसीने दिख रहा तरबतर। ठीक है, जो भी है, आई एम सुपर एक्साइटेड, पहली बॉलीवुड मूवी जिसमें छोटा सा रोल है तुम्हारे बाबा का। मैं नमूना लग रहा हूँ एक नंबर का। पैंट तो फिट ही नहीं आ रही, और ठीक है नई पैंट मांगते हैं। ऐसा कुछ लग रहा है तुम्हारा बाबा, टोपी का पता नहीं मुझे, शायद उतारनी पड़ेगी शूट के टाइम पे। और नीचे का पैंट वहाँ पे भी था, एक्ट्रेस चेंज कर रही है तो कैमरा वहाँ पे ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं ऑब्वियसली। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही भाई 15-20 मिनट के लिए गया, उसने तो पूरा सेट ही चेंज कर दिया इन लोगों ने, ज़्यादा क्लोजअप नहीं ले सकता। वहाँ पे एक थाई लड़की पूछती है मुझसे कि बॉलीवुड शूटिंग चल रही है, कुछ कुछ होता है? मैं बोला कुछ कुछ होता है मैडम, बहुत टाइम हो गया सालों। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे मैं शूट नहीं कर सका, ऑब्वियसली हेड ऑफ प्रोडक्शन ने मना किया, वो मैं समझता भी हूँ, ज़्यादा इधर उधर का नहीं दिखा सकता। तो अगर ये मैं कल ब्लॉग पीछे अभी शूटिंग चल रही है जो कि तुम्हें मैं नहीं दिखा सकता बिल्कुल भी, क्योंकि मना कर रखा है। और मैं अभी गजराज सर से मिला और गजराज सर से काफ़ी बात हुई, उन्होंने कॉफ़ी वॉफ़ी पी, फिर उनका शॉट आ गया तो ऑब्वियसली उनको जाना पड़ा। और उनको अभी मैं कैमरे पे नहीं ले पाया क्योंकि कॉस्ट्यूम पहन रखी उन्होंने अभी, जो उनका कैरेक्टर है दोनों ने, वो ऑब्वियसली अभी मैं उनको कॉस्ट्यूम रिवील नहीं कर सकता। आज पैकअप जब होगा उसके बाद फोटो वोटो क्लिक करेंगे, तेरे ब्लॉग में भी आएंगे ऐसा उन्होंने बोला, और उन लोगों को जरूर दिखाएंगे। गजराज सर क्या यार, व्हाट अ जैम ऑफ पर्सन ही इज़, मज़ा आ गया मिलके, दिल खुश कर दिया भैया। गर्मी इतनी खतरनाक है और ऊपर से यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि फट रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, क्रू ही क्रू भरे हुए हैं, और ऊपर से फिर मुझे लग रहा था मेरा शॉट अभी तक आ जाएगा, पर हो जाता है क्योंकि रीटेक काफ़ी लेने पड़ते हैं। तो अभी गजराज सर का ही शॉट चल रहा है, आधे घंटे से एक ही चल रहा है, क्योंकि होता होगा कुछ, मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ शूटिंग, पर अच्छा लग रहा है देखने में, टाइम पास बढ़िया हो रहा है। भैया जो अनिल सर हैं उनका पूरा आज का शॉट्स ख़त्म हो चुके हैं, वो निकल चुके हैं ऑलरेडी। बाकी प्रोडक्शन का खाना के मज़ा जरूर आ गया यार, क्या खतरनाक टेस्ट था, मज़ा आ गया, दाल स्पेशली मस्त टेस्टी थी भाई। कितना कुछ मैन पावर, कितने कुछ इक्विपमेंट्स, कितनी सारी चीज़ें लगती हैं, कभी लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कोई आवाज़ आ जाती है, कभी फोकस नहीं करता कैमरा, ऐसा अनिल सर बता रहे थे कि एक ही टेक को कभी कभी 15-20 बार भी लेना पड़ता है इनको। मतलब काफ़ी नई नई चीज़ें देखी, अच्छा एक्सपीरियंस था। और सबसे बड़ी चीज़, तुम्हारे बाबा का भी शॉट आने वाला है, देखते हैं तब फटती है क्या होता है। गजराज सर से के हाथों से बनाई हुई कॉफ़ी। 8:01 रात के, सर की वैनिटी वैन। पूरा वी का शेप बन गया इधर, और नाक मुंह तो लाल हो ही गया मेरा पूरा। लाइट में अंदर यहीं पे अंदर ही आ जाओ। तो गजराज सर फाइनली फ्री हो चुके हैं, थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए मेरे ब्लॉग के लिए। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है ये, और मुझे ये बड़ा पसंद है। यहाँ पे एक तो बैंकॉक में थाईलैंड के अंदर जो इंडियन कम्युनिटी है, किस तरह से वो जेल होती है यहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ, उसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है संजय। और जो लोकल कल्चर के बारे में, खाने के बारे में, और जो प्रैंक करते रहता है डेमी के साथ, तो वो थोड़े कम किया कर, उसको कम डराया कर। और आपको अगर इसके वीडियोस अच्छे लगते हो मेरी तरह, तो फॉलो करो, सही कर रहा है बंदा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। फोटो ले ली। संजय कहाँ जा रहा है? टैक्सी कराऊंगा सर। ओके ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ जी, वो ग्रैब कर लूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, बाय बाय बाय। भाई बाहर हो रही है गंदी वाली बारिश, गंदी वाली, कछु ना दिख रहा हमें कछु भी। हाँ जी, तो बात कर लेते हैं थोड़ा तुम्हारे बाबा के मूवी रोल के बारे में। तो मैं सच सच बताऊँ, मैं तुम्हें मूवी रोल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंशियल है जब तक मूवी रिलीज नहीं होती। कोई बात नहीं, मूवी देखना ज़्यादा मज़ा आएगा। पहली बार मैं बॉलीवुड मूवी सेट में था, बॉलीवुड क्या, कोई भी मूवी सेट में मैं आज तक गया नहीं हूँ, पहली बार देखा था मैंने ऐसा होता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें, कितना हैक्टिक हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता, पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत, भाई साहब
देख रहे हो क्या खतरनाक बारिश हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस जो इतना अच्छा गया पहली बार मूवी सेट पे, उसका मैं सारा श्रेय देना चाहता हूँ गजराज सर को, अनिल सर को एंड द मूवी डायरेक्टर मंगेश सर को, क्योंकि इन तीन लोगों ने, इन तीन क्या इनके सारे जो क्रू था, उन लोगों ने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे वहाँ पे। मैं काफ़ी देर तक केवल डायरेक्टर सर के साथ बैठा हुआ था, शूटिंग देख रहा था और मज़ा आ रहा था। ऊपर से मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे लगता था कि गजराज सर जो हैं वो काफ़ी सीरियस होंगे, और मतलब मूवी सेट में काफ़ी सीरियस होंगे बिल्कुल, पर भैया मस्त हैं एकदम, ऐसे सबके मजे लेते रहते हैं। मेरे साथ भी ऐसे, जैसे तो एक शॉट हो रहा था, शॉट खत्म हुआ, डायरेक्टर ने कट बोला और उधर से चिल्लाते हैं सेट से, मैं थोड़ा डायरेक्टर की तरफ बैठ रखा था और वहीं से चिल्लाते हैं बाबा बा, मैंने बोला क्या हो रहा है। मैंने एक्सपेक्ट, मैंने सोचा था कि देखो गजराज सर से मिलूंगा, बातें करूंगा, थोड़ा बहुत ब्लॉग हो जाएगा शायद, पर मैंने नहीं सोचा था कि यार इस तरह से हम इतना ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील करा देंगे। मतलब हम ऐसे मस्त मस्त बातें कर रहे थे, बीच बीच शॉट्स के बीच में ब्रेक हो रहे थे, खुद का उनका खुद का कॉफ़ी कप था, उसमें से आधी निकाली और मुझे दे दी, और बातें चल रही हैं, मस्त मजे मार रहे हैं, मेरे मजे ले रहे हैं, मैं मजे लेने दे रहा हूँ, और क्या कर, मैं क्या उखाड़ भी लेता वैसे भी। डायरेक्टरों की ये जरूर बात होती है, स्पेशली मैंने तो किसी डायरेक्टर को काम करते हुए देखा ही नहीं है, मैंने मंगेशकर को ही देखा, पहली बार ही देखा, तो बिल्कुल मतलब जो उनको चाहिए वो ही चाहिए शॉट में, अगर जरा सा भी इधर उधर होता है तो वो कट बोल देते हैं और वो बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो बहुत ही अच्छा लगा उनका काम को देखकर। तो थैंक यू मंगेश सर मुझे इनवाइट करने के लिए, और उसके बाद गजराज सर तो थे ही मस्त, अनिल सर भी मस्त थे, वो भी बीच बीच में अपने शॉट्स के आ रहे थे बात करने के लिए, और काश मैं वो मोमेंट शेयर कर पाता गजराज सर, अनिल सर और मंगेश सर के साथ जो शॉट के बीच में हम लोग कर रहे थे, पर तुम्हें पता है उन लोगों ने कॉस्ट्यूम्स पहन रखी थी और सेट था पूरा, तो वो शूटिंग अलाउड नहीं थी उधर, वरना तो तुम लोग हंस हंस के पागल हो जाते, इतना मजे मार रहे थे हम लोग शॉट्स के बीच में। काफ़ी चीज़ें मैंने सुना था सब स्क्रिप्ट बेस्ड होता होगा खतरनाक, की स्क्रिप्ट से हटना ही नहीं है, पर नहीं, काफ़ी चीज़ें इम्प्रोवाइज होती हैं, मेरे शॉट्स में भी काफ़ी इम्प्रोवाइज हुआ था कि चेंज कर दिया कुछ, अब मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं वरना मैं सारा उल्टी कर दूंगा बाहर, तो तुम तो मूवी में देख लेना। तो वीडियो करते हैं बैंड, अगर इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो नहीं किया है तुमने अपने सुंदर सुशील भाव को, तो जाके फॉलो करो स्टे आवारा अंडरस्कोर पे, बाकी प्लीज सब्सक्राइब विद द लाइक बटन एंड यू नो गाइस व्हाट टू डू, स्टे आवारा भाई साहब, मौसम रामचंद्र स्टे आवारा। पैंट तो फिट ही नहीं आ रही।